ब्लैक तुलसी का गाछ है। और ये सिंकू कुमार बता रहा है दोस्तों, और ये ब्लैक तुलसी का वृक्ष है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं। कड़ा बना के पीता है, बस खांसी तुरंत खत्म खत्म। इधर देखिए हमारा सिंकू डावर जो है ना, अनार का वृक्ष दिखा रहा है दोस्तों, इसमें मंजर आ चुका है। अनार खाने से, अनार खाने से फायदा क्या है बताइए? अनार खाने से बहुत सारा फायदा है। क्या फायदा है? बिज्जू का गाछ, क्या बिज्जू, क्या है बिज्जू, क्या है आम है। नमस्कार दोस्त, मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो जो है मैं आप लोगों को सारे वृक्ष दिखाऊंगा, कौन सा वृक्ष कहाँ है। और ये पीछे मेरे सिंकू कुमार है। तो चलिए मैं दोस्तों आप लोगों को मैं सारे वृक्ष दिखाऊंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे पीछे एक आम का वृक्ष है, और इधर दिखाते हैं दोस्तों। और ये क्या चीज़ का गाछ है? नींबू का गाछ है ये, और ये नींबू का पेड़ है, और इधर भी आम का गाछ है, आम का वृक्ष है। और इधर देखिए मंजर दे चुका है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों इस वृक्ष में मंजर आ चुका है, इस बार आम फरेगा दोस्तों। तो और मेरे हमारे साथ ये राकेश कुमार है, और इन्हीं का ये वृक्ष लगाया है। कितना वृक्ष है इसमें? इसमें 50 से 60 वृक्ष है। इसमें 50 से 60 वृक्ष है। तो चलिए मैं कौन सा वृक्ष कहाँ लगाया है वो सब वृक्ष दिखाऊंगा दोस्तों। तो बस वीडियो को देखते रहिए। मंजर आ चुका है दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा रहा था। और ये आम का वृक्ष है, तो राकेश जी है मेरे साथ। तो ये वृक्ष देखिए राकेश जी, आपका आम में वृक्ष आ चुका है। और ये वृक्ष कितने दिन में तैयार हुआ है? ये अभी 2 से 2.5 साल में मेरा वृक्ष तैयार हुआ है। यानी 2.5 साल, यानी 2.5 साल में ये वृक्ष, 2 साल 6 महीने में ये वृक्ष तैयार हुआ है। और देखिए यहाँ मंजर आ चुका है दोस्तों। तो आइए कैमरा मैन इसको जूम करके दिखा दीजिए। देख सकते हैं दोस्त यहाँ वृक्ष में आ चुका है, मंजर आ चुका है। तो चलिए और वृक्ष दिखाता हूँ। तो बस आइए मेरे साथ। ये मेरा देख सकते हैं लीची का पेड़ है। और ये कब लगाए? 5 मंथ पहले लगाए। और ये 5 मंथ पहले लगाया है वृक्ष। वो भी छोटा है, 2-3 साल के बाद इस वृक्ष में भी लीची फरेगा दोस्तों। ये पेड़ क्या चीज का है दोस्तों? ये देखो राकेश जी से जानते हैं क्या चीज का है। ये चीकू फल होता है, ये चीकू फल होता है, जो कि खाने से विटामिन आता है। ये मेरा 6 से 7 मंथ हुआ है। मतलब कितने दिन में ये वृक्ष तैयार हो जाएगा, फल फरने लगेगा? 1 से 1.5 साल के अंदर वृक्ष फरना चालू हो जाएगा। 1 से 1.5 साल के अंदर में ये वृक्ष फल देगा दोस्तों। ये भी दिखाते हैं। ये जो आता है विटामिन के लिए चिपथा बादाम, जो बोला जाता है पास्ता वाला बादाम, इससे ये हो सकता है आपको कभी खून में दिक्कत होता है, जैसे कमी होने के कारण अगर आप 1 से 2 बादाम खाते हैं तो आपका एनर्जी आ जाती है। ये 1 साल हो गया है पूरा। ये जो है ना 2 से 3 साल के अंदर ही अपने फल फरने लगता है। चलिए इसमें 2 साल लगेगा फल फरने के लिए। शकरचिनिया है, शकरचिनिया केला है, तो खाने से बहुत फायदा होता है केला। आइए दोस्तों और देख सकते हैं यहाँ नींबू का पेड़ है। ये जो है नींबू का पेड़ है, और ये नींबू का पेड़ है। एक साल पहले इस नींबू खड़ा है, 2 बार फर चुका है दोस्तों। फिर से फूल अभी आ रही है नींबू में, फिर से इसमें मंजर आ चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ। तो चलिए और आगे दिखाता हूँ। कागजी नींबू है, कागजी नींबू है ये। सब मंजर आ चुका है दोस्तों, 1 साल ये पहले लगाए हैं पेड़। यानी 1 साल पेड़ ये लगाया हुआ, इसमें देखिए मंजर आ चुका है दोस्तों। और देखिए इसमें आ चुका है, इस बार फल जो है आम फरेगा दोस्तों। चलिए और दिखाते हैं। ये अमरूद का पेड़ है दोस्तों, देख सकते हैं अमरूद का पेड़ है। ये अमरूद का पेड़ है, इसमें अमरूद अभी नहीं फरा है।
बहुत सारे चीज मैं दिखा चुका हूँ दोस्तों, और बहुत चीज पेड़ दिखाया हूँ, तो बहुत पेड़ लगाए हुए हैं। तो एक बात और पूछा राकेश जी से कि कितना कट्ठा का खेत है? ये 15 से 16 कट्ठा का है। यानी 16 कट्ठा, और इसमें कितने वृक्ष लगाए हैं टोटल? यानी सब मिला के टोटल वृक्ष 300 से 400 होगा। 300 से 400 वृक्ष। आम का पेड़ कितना है? आम का पेड़ 50 गो आम का पेड़ है। नींबू का? नींबू का 55 गो पेड़ है। अमरूद का? अमरूद का 5 पेड़ है। 5 पेड़ है।